वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर दोस्तों नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों अगर पसंद आता है। अगर आपने इस 10 क्वेश्चन में से 7 या 8 का आंसर सही दिया तो आप बिल्कुल दावेदार हैं ग्रुप डी के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति नहीं आंसर दे पाता है तो प्लीज़ वो निराश मत होइएगा, क्योंकि आप भी मेहनत कीजिएगा, आप भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर पसंद आता है तो आप क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, प्लीज़ 10 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंग वर्धनता का दूसरा नाम है। देखिए, आपको बताना है रंग वर्धनता का दूसरा नाम क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं टर्नस, डॉल्टियम, डॉल्टोनिजियम, फिनॉल या DNOT। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो वर्धनता का दूसरा नाम है हमारा डॉल्टोनिजियम, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। आप अपना स्कोर भी यहाँ पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधों का प्रयोग आनुवंशिकी के लिए किसने किया था। देखिए, मटर के पौधे का आनुवंशिकी के लिए प्रयोग किसने किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है मेंडल, लेमार्क, जगदीश चंद्र बोस, डार्विन। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मेंडल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था हमारा मटर का पौधे का प्रयोग आनुवंशिकी के लिए, ठीक है, कि पौधा छोटा होता है या लंबा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण किस में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि वृषण किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं नर, मादा, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी, वो हमारा नर में पाया जाता है वृषण, ठीक है। तो आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर किस से संबंधित है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि पेसमेकर किस से संबंधित है। तो पेसमेकर है हमारा वो हृदय से संबंधित है या फिर कान या नाक या आँख। तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी 4। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मैं बता दूंगा आपको एक बार, अग्रभाग, पश्चिम भाग और मध्य भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको पता होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा गलकंड, जिसे हम लोग ग्वाटर रोग या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घेंगा रोग, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई, देखिए विटामिन ई का नाम पूछा है। विटामिन ई का नाम है क्या, कैसीपोरोल, टोकोफोरोल या फिर थाइमिन या फिर यहाँ पर रेटिनॉल। तो यहाँ पर विटामिन ई का नाम है हमारा टोकोफेरोल, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, एक्सॉन, देखिए अच्छे से पढ़िएगा, एक्सॉन को क्या कहते हैं। देखिए एक्सॉन को क्या कहते हैं, बताना है आपको, तंत्रिका तंतु, गुच्छिका, पोषण या भोजन। तो एक्सॉन को क्या कहते हैं हम लोग, तंत्रिका तंतु कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा यहाँ पर तंत्रिका तंतु होना चाहिए, ठीक है। तो तंत्रिका तंतु कहते हैं एक्सॉन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH तत्व की खोज किसने की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप 10 का 10 आंसर देते हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी बिल्कुल ग्रुप डी से अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर RH तत्व की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर और बीनर, फ्लेमिंग, रिटर या टेलर। तो लैंडस्टीनर ने की थी इसकी खोज, और बीनर ने, दोनों ने मिलकर की थी RH फैक्टर की खोज। RH फैक्टर बंदरों से संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरम किससे संबंधित है। सीरम किससे संबंधित है, तो यहाँ बताना है पेशी, रक्त, गुहा या मस्तिष्क। तो सीरम होता है दोस्तों वो हमारा रक्त से संबंधित है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।